छियानवी सोनियो को देखकर कहती है कि जब जरूरत होगी तभी बुलाऊंगी। गॉन्ग बॉटल्स क्लीन करते हुए कहता है कि जब बैन हट जाएगा तो सारी पी लूंगा। बैंग अपना स्टैचू क्लीन करते हुए कहता है कि मैं उसे आधा घर दे रहा हूँ, पर तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊंगा, और रोने लगता है। उसके बाद वह गांव का स्टैचू देखकर अपना गुस्सा उस पर निकालता है। एक लड़की बहुत सारा खाना खाकर अपना वेट चेक करती है, पर उसका वेट नहीं बढ़ता क्योंकि एक स्प्रिट उसका खून पीती रहती है। बैंग पानी पीने आता है और फ्रिज खोलते ही डर जाता है क्योंकि उसमें होती है ज़ॉम्बी गर्ल सैरा। पीके के आने पर बैंग पूछता है कि यहाँ क्या कर रही है। पीके बताता है कि गॉन्ग ने मुझे इसे इस घर में रखने के लिए कहा था, इससे स्मेल आ रही थी तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। सैरा कहती है कि फ्रिज का गेट बंद कर दो। पीके कर देता है। बैंग गुस्सा करता है और सैरा को बाहर आकर बात करने के लिए कहता है। सैरा को कुछ भी याद नहीं कि वो कौन है और कहां से आई है। पीके बताता है कि ये सैमजंग की ब्लड से जिंदा हुई है, मैंने इसे लाइफ फोर्स स्टोन खिलाए हैं जिसकी वजह से ये बात कर पा रही है। बैंग पीके पर गुस्सा करता है क्योंकि वे स्टोन्स उसके थे। पीके कहता है कि ये सब करने के लिए मुझे गॉन्ग ने कहा था। तुम दोनों अपना मैटर खुद सॉल्व करो, मैं जा रहा हूँ। बैंग उसे बाहर चलने के लिए कहता है पर उससे स्मेल आती है। सैरा बताती है कि कल मैं बैग में यहाँ आई थी। बैंग उसे बैग में ही बाहर लेकर जाता है। वॉचमैन उसकी हेल्प करने आता है, उसे भी स्मेल आती है। बैंग झूठ बोल देता है कि ये स्मेल मुझसे आ रही है और वॉचमैन को वहाँ से भगा देता है। बैंग उसे अपने ऑफिस लाकर योंग से कहता है कि इसे सैमजंग के पास भिजवाओ, वही इसे हैंडल करेगी। पीके उस बैग को लेकर सियानवी के घर के बाहर आता है और उसे कॉल करके बाहर बुलाता है। हेंजू सियानवी को पीके के साथ देखकर शॉक हो जाता है। कार में पीके सियानवी से सैरा की डेड बॉडी जलाने के लिए कहता है। सियानवी कहती है कि उसकी डेथ कैसे हुई हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, अभी इसे जलाओ मत। पीके कहता है कि ये ज़ॉम्बी है और धीरे धीरे बुरी स्प्रिट बन जाएगी, तुम्हारी वजह से ये जिंदा हुई है, तुम्हें ही इसे मारना होगा। सियानवी उसे रिक्वेस्ट करती है। उसके बाद उन्हें आइस गॉड के पास दिखाते हैं जो उसे फ्रीज करके उसकी बॉडी खराब होने से बचा सकता है। पीके दोनों को एंट्रो कराता है। आइस गॉड अपना काम कर देता है। उसके बाद वे सैरा का मेकअप कराने बाद में उस लड़की के पास आते हैं। पीके सियानवी को बताता है कि ये फेरी हैन है, आइस गॉड की छोटी सिस्टर। सियानवी के हेलो बोलने पर फेरी हैन कहती है कि मेकअप की जरूरत तुम्हें भी है। पीके कहता है कि आज बस सैरा का मेकओवर करना है। फेरी हैन के जाने के बाद सियानवी से कहती है कि दोनों भाई बहन सेम हैं। पीके बताता है कि दोनों को एक जैसी बॉडी मिली हुई है। सैरा का मेकओवर हो जाता है। सियानवी उसे प्रिटी बताती है। सैरा के थैंक यू बोलने पर उसकी आईज बाहर आ जाती है। फेरी हैन उसे ठीक करने ले जाती है। सियानवी पीके को बताती है कि मैंने सैरा के टॉवल की इन्फॉर्मेशन मिस्टर यून से कलेक्ट करने के लिए बोला है। यून उन्हें कॉल करके किंगडम क्लब का नाम बता देता है। पीके उन्हें क्लब लाकर अपने काम पर चला जाता है। सियानवी सैरा को अंदर ले जाती है और वहाँ के लोगों से पता करती है कि क्या वे इसे जानते हैं, पर कोई उसे नहीं जानता। सियानवी उसे एक जगह बैठाने आती है और वहाँ पर खून पीने वाली स्प्रिट को देखती है और सैरा को वहीं रुकने के लिए बोलकर उसके पीछे जाती है। एक आदमी सैरा के पास आता है और उसे डेड समझकर सबको बता देता है। सियानवी आकर सैरा को उठाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। सब लोग बाद में पहुंचते हैं और किसी को वहां ना देखकर उस आदमी को रेस्ट करने के लिए कहते हैं। यून गॉन्ग से मिलने आता है और बताता है कि ये घर तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। गॉन्ग बैंग को भी इसी घर में रहने दे रहा है क्योंकि उसके पास कोई और जगह नहीं है। पीके भी वहीं होता है। यहां पता चलता है कि उनको घर की क्लीनिंग करना और खाना बनाना पसंद है, तो आज से वही गॉन्ग के घर का ध्यान रखेगा। यून और पीके को मैसेज आता है कि ज़ॉम्बी गर्ल को उनके पास लाया जा रहा है। पीके उन्हें पिक करने चला जाता है। गॉन्ग पूछता है कि किसका मैसेज था और दोनों को साथ में कैसे आया। यून बताता है कि सैमजंग ने ग्रुप में मैसेज किया था, उसी ने ज़ॉम्बी गर्ल के बारे में डिस्कस करने के लिए ये ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में सब है, आइस गॉड, फेरी हैन, वैंग और योंग। यून पूछता है कि क्या तुम्हें भी ऐड करूं। गॉन्ग कहता है कि मैं ग्रेट सेज हूं, मुझे ऐड मत करना। सियानवी सैरा को घर छोड़कर वापस चली गई है। पीके और यून ग्रुप चैट के बारे में ही बातें करते रहते हैं। पीके भी पूछ लेता है कि क्या तुम्हें ग्रुप में ऐड करूं। गॉन्ग गुस्सा करके कहता है कि अगर ऐड किया तो मार डालूंगा। फिर से ग्रुप में मैसेज आ जाता है जिसे पढ़कर पीके हंसता है और बताता है कि फेरी हैन ने फनी पोस्ट शेयर की है। गॉन्ग गुस्से में उठकर चला जाता है
और रूम में आकर फोन चेक करके कहता है कि उसने सबको ऐड किया पर मुझे नहीं, और गुस्से में लेट जाता है। गॉन्ग कहता है कि इतना बुरा तो मुझे हेवन से बाहर निकालने पर भी नहीं लगा था। सियोनमी चेक करती है कि किंगडम स्पोर्ट्स क्लब की दो मेंबर्स वेट कम होने की वजह से मर गई हैं। एक और लड़की बहुत सारा खाना खाती रहती है। सियोनमी हिंजू की बेटी के लिए पीके का ऑटोग्राफ लेकर आती है क्योंकि उसकी बेटी पीके की फैन है। हिंजू थैंक यू बोलकर जाता है तो उसके हाथ से कुछ पिक्चर्स गिर जाती हैं। पिक्चर उसी लड़की की होती है जिसका खून स्प्रिट पी रही थी। हिंजू बताता है कि ये फोटोज मेरी वाइफ ने मंगाई हैं, उसे इनकी तरह वेट कम करना है। यांग उस लड़की को कंपनी बुलाकर उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देकर पूछती है कि तुम इतनी पतली कैसे हो। वह बताती है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे किसी से डाइट टैटू दिलवाया है जिसकी वजह से मैं कितना भी खाऊं वेट नहीं बढ़ता। यांग दोनों को टैटू के बारे में बताती है। बैंग कहता है कि हमें उस स्प्रिट को ढूंढना होगा, ये काम बस तुम कर सकती हो। यांग बताती है कि स्प्रिट उन्हीं लोगों के पास आती है जो अपना वेट नहीं बढ़ने देना चाहते। घर पर गॉन्ग को बहुत ठंड लगती है क्योंकि सारा ने एसी ऑन कर दिया था। गॉन्ग के एसी बंद करने पर सारा पूछती है कि मेरा क्या होगा। गॉन्ग उसे फ्रिज में जाने के लिए कहता है और उसका सैड फेस देखकर कहता है कि कफिन में रहने वालों को फ्रिज देकर लग्जरी लाइफ दे रहा हूँ। सारा अपना फोन लेकर जाती है। गॉन्ग कहता है कि ज़ॉम्बी तुमने अपने लिए फोन खरीदा। वह बताती है कि उन्हें दिया है। गॉन्ग कहता है कि तुम्हारे जैसी ज़ॉम्बी मैंने आज तक नहीं देखी। सारा के पास भी ग्रुप में मैसेज आने पर गॉन्ग चिढ़ जाता है और उसे फ्रिज में जाकर मैसेज करने के लिए कहता है। सारा बताती है कि सैमजंग स्प्रिट को मारने जा रही है। गॉन्ग कहता है कि मुझे तो ग्रुप चैट में इनवाइट ही नहीं किया। सारा कहती है कि सियोनमी के लिए सबसे स्पेशल तुम हो, तुम्हें ग्रुप की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। गॉन्ग अपना ब्रेसलेट देखकर स्माइल करता है। सारा बताती है कि वो क्लब जा रही है। गॉन्ग क्लब आकर उसे ढूंढता है। सियोनमी क्लब आते हुए नर्वस होती है और वहाँ पर सबकी बॉडी पर वेट वाला टैटू देखती है। क्लब वाली लड़की को देखकर सियोनमी उसके पीछे जाती है और अपने आप से कहती है कि मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा है, और उस लड़की को हेलो बोलकर कहती है कि तुम बहुत स्लिम हो। वह कहती है कि क्या तुम्हें भी स्लिम होना है, और उसकी बॉडी पर भी टैटू बना देती है। गॉन्ग उसे ढूंढता रहता है और स्प्रिट को देखकर कहता है कि सैमजंग इसी के लिए यहाँ आई है। गॉन्ग उस लड़की के पास आकर टैटू हटाता है तो स्प्रिट गायब हो जाती है। उसके बाद वह फिर से सियोनमी को ढूंढता है और मिलने पर उसकी बॉडी पर भी टैटू देखकर कहता है कि तुमने भी टैटू ले लिया। सियोनमी बताती है कि मुझे स्प्रिट के बारे में पता चल गया है। गॉन्ग उसकी बॉडी से टैटू हटाता है पर सियोनमी उसे रोककर कहती है कि पहले मुझे खाने दो क्योंकि मैं जितना भी खाऊं वेट नहीं बढ़ेगा। गॉन्ग पूछता है कि कितना टाइम चाहिए। सियोनमी 3 दिन मांगती है और गॉन्ग के देखने पर कहती है कि ये तो फिनिश करने दो, पर गॉन्ग उसकी बॉडी से टैटू हटा देता है। सियोनमी गॉन्ग के साथ किंगडम क्लब में आती है और स्प्रिट के बारे में पता करती है। एक लेडी अपना वेट ज्यादा होने की वजह से रोती रहती है। सियोनमी वहाँ स्प्रिट देख कर समझ जाती है कि मेन स्प्रिट यहाँ है। सियोनमी उस लड़की को वहाँ से हटाने जाती है पर उस लड़की में स्प्रिट आ जाती है। वह चिल्लाकर वहाँ की सारी लाइट तोड़ देती है और कहती है कि मैं तो बस लोगों की विश पूरी कर रही हूँ। सियोनमी उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है और स्प्रिट के मना करने पर अपना हाथ कट कर लेती है। ब्लड की स्मेल से स्प्रिट उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। स्प्रिट के पास आने पर सियोनमी गॉन्ग को बुला लेती है। वह आकर स्प्रिट को हिट करता है पर उसे कुछ नहीं होता। गॉन्ग वेइंग मशीन तोड़ देता है और स्प्रिट मर जाती है। यांग उन्हें ग्रुप मैसेज दिखाकर कहती है कि सैमजंग ने अपना काम कर दिया। सुबोरी कहता है कि अगर लोग इसी तरह नेगेटिव फीलिंग्स रखेंगे तो हेल के गेट अर्थ पर खुल जाएंगे। वैंग कहता है कि इसीलिए सैमजंग को भेजा गया है। क्या हेल के गेट खुलने से रोकने के लिए उसे अपनी जान देनी होगी। फ्यूचर बताने वाले पॉट में एक और क्रैक आ जाती है। सियोनमी गॉन्ग के साथ होती है। गॉन्ग उसकी चोट पर बैंडेज लगाता है। सियोनमी कहती है कि पहले की तरह मैजिक से क्यों नहीं ठीक किया। गॉन्ग बताता है कि मैजिक यूज करना इजी नहीं होता, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, और तुम जब प्रॉब्लम में होती हो तो मुझे क्यों नहीं बुलाती। सियोनमी कहती है कि मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, तुम ग्रेट सेज हो और मैं नॉर्मल ह्यूमन, तुम्हें गैंगों से बांधने के लिए सॉरी। गॉन्ग के ब्रेसलेट देखने पर सियोनमी कहती है कि अब तुम कहोगे सॉरी फील मत करो, इसे उतार दो। गॉन्ग कहता है कि तुम नहीं उतारोगी तो ये एक ना एक दिन खुद उतर जाएगा, जब तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारा प्यार एक ना एक दिन खत्म होना ही है और तुम फिर से अकेली रह जाओगी। सियोनमी सुनकर सैड होती है। चारों साथ में खाना खाते रहते हैं।
सारा को गॉन्ग के कहने पर फ्रिज में सोना पड़ा तो वैंग उसे डांटता है कि बस अपने रूम का हीटर ऑन रखा करो। गॉन्ग कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूं, और सारा से खाना छोड़कर फ्रिज में जाने के लिए कहता है। सारा सैड हो जाती है, यून कहता है कि रोना मत वरना बॉडी खराब हो जाएगी। सब गॉन्ग को देखते हैं, वे कहता है कि ये मेरा घर है, जिसे प्रॉब्लम है निकल जाओ। सबको ग्रुप में मैसेज आता है। इस बार वैंग कह देता है कि तुम ग्रुप में नहीं हो, क्या तुम्हें ऐड करूं? गॉन्ग हाँ बोलने वाला होता है, पर यून कह देता है कि गॉन्ग को ग्रुप चैट्स पसंद नहीं है। गॉन्ग उसे देखकर कह देता है कि हाँ पसंद नहीं है, पर ऐड करना चाहते हो तो। वैंग कहता है कि समझ गया, तुम्हें ऐड नहीं करना। गॉन्ग को गुस्सा आता है। सब मैसेज पढ़कर हंसते रहते हैं और गॉन्ग उन्हें देखता रहता है। सियोन में क्रिसमस के लिए शॉपिंग करती रहती है। शॉप वाली लेडी का ग्रैंडसन आकर कहता है ग्रैंडमा ने तुम्हें बुलाया है। सियोन में उसके साथ चली जाती है और शॉप में आकर फ्यूचर बताने वाले पॉट को देखती है। एक और क्रैक आने पर उससे पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद उसे एक जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पूरी दुनिया खत्म हो रही है। पॉट ने उसे ये फ्यूचर दिखाया है और वह टूट जाता है। सुबोरे आकर उसे बताता है कि फ्यूचर में यही होने वाला है। सियोन में अपने घर आकर बाहर ही बैठ जाती है। सुबोरे ने उसे बताया था कि अर्थ को इस खतरे से बचाना ही सैमजंग का रॉयल समन है। सब न्यू ईयर पार्टी में होते हैं। टीवी में दिखाते हैं कि इस बार की न्यू ईयर बेल कोरियन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कैंगरिंग करेगा। यून बताता है कि हेवन भी कैंग पर नजर रख रहा है। सारा कहती है कि मैं इसे जानती हूँ। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैंग भी किंगडम क्लब का मेंबर था। सब कहते हैं कि तुमने इसे मरने के बाद देखा, हमें लगा पुरानी मेमोरी वापस आ गई। कैंग न्यू ईयर बेल रिंग कर देता है। सारा उसे देखकर कुछ सोचती है। सियोन में अकेले बैठी रहती है तभी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। गॉन्ग अपनी बॉटल्स काउंट करता रहता है और सियोन में के बुलाने पर स्माइल करके उसके पास आ जाता है। सियोन में उसे बताती है कि मैंने ये दुनिया खत्म होते हुए देखी है। वैंग कहता है कि सैमजंग एक मामूली इंसान है, वो हेल की गेट कैसे बंद करेगी। सुबोरी कहता है कि इसीलिए हेवन ने गॉन्ग को उसकी साइड पर रखा है। वैंग पूछता है कि हेल के गेट बंद करने पर किसकी जान जाएगी, सियोनमी या गॉन्ग। सुबोरी कुछ नहीं बोलता। सियोनमी कहती है कि तुम स्ट्रांग हो ना। गॉन्ग के हाँ बोलने पर सियोनमी कहती है कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करोगे ना। गॉन्ग हाँ बोल देता है। सियोनमी कहती है कि फिर मैं ये काम कर सकती हूँ, और गॉन्ग से कहती है कि ग्रेट सेज होना गॉन्ग, लास्ट तक मुझे प्रोटेक्ट करना। गॉन्ग कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा।